हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आपका स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकता है मेरी प्रीवियस और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए। तो आपने हेडिंग देख ही ली होगी, आज हम बात करेंगे यूनियन बजट पर। और यूनियन बजट में अभी जो टॉप 10 अनाउंसमेंट हुई है टैक्स से और टैक्स डिपार्टमेंट से लेकर जितनी भी अनाउंसमेंट है टॉप 10 उनके बारे में बात करेंगे। चलिए तो बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं टॉप 10 अनाउंसमेंट टैक्स से रिलेटेड। तो अगर पहली की बात करें तो 3 लाख से अधिक लेन देन पर रोक लगा दी है। इसका मतलब हम 3 लाख से ऊपर की लेन देन कैश में नहीं कर सकते, उसके लिए हमें चेक या ई ट्रांजैक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। 3 लाख से कम ही हम कैश की लेन देन पर हम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। बात करें अगर दूसरे की तो राजनीतिक दल, ये मैं कहूँगा कि मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया कदम है। राजनीतिक दल को 2000 से ज़्यादा की जो कैश है वो चंदा नहीं मिलेगा। अगर 2000 का हम कैश दे रहे हैं तो ठीक है, पर अगर 2000 से ज़्यादा हम कुछ दे रहे हैं तो हमें ई ट्रांजैक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। और बात करें अगर तीसरे की तो किसी भी आदमी की अगर कंपनी का 50 करोड़ का टर्नओवर है तो जो उसका आयकर था वो पहले 10% था उसको घटाकर 5% कर दिया है। तो ये तीसरी न्यूज़ थी। अगर बात करें चौथी की तो जो कैपिटल गेन्स था, जो कैपिटल गेन्स टैक्स की जो सीमा थी वो 1 साल से बढ़ाकर 2 साल कर दी गई है, तो ये भी बहुत बढ़िया है। अगर बात करें पांचवे की तो जो ऑनलाइन की रेल टिकट थी, जो ऑनलाइन टिकटिंग होती थी उसका जो सर्विस टैक्स था वो भी ख़त्म कर दिया गया, जो सर्विस चार्ज होता था वो ख़त्म कर दिया गया है। और 3 लाख तक की जो आमदनी थी उसको टैक्स फ्री कर दिया गया। मतलब 3 लाख तक अगर आप 1 साल में कमा रहे हैं तो वो टैक्स फ्री है, उसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और आरबीआई ने एक इलेक्ट्रल बोर्ड चालू करने की बात कही है, ठीक है। और उसके बाद 3 से 5 लाख तक की आय पर 5% टैक्स दिया जाएगा। जो 3 से 5 का कमा रहा है वो 5% टैक्स देगा, और जो 1 करोड़ से ज़्यादा आय पर 1% का सरचार्ज भी लगेगा। और बात करें अगर अफोर्डेबल हाउसिंग की, जो तो अफोर्डेबल जो हाउसिंग थी उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर लाया गया है, ओके। और जो 10 लाख से ऊपर की आमदनी पर 30% टैक्स है। तो कुछ ये टॉप 10 अनाउंसमेंट थे, तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।